बात है कुछ कही अनकही अनसुनी सी दास्तां। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त मोनिका एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने कहीं अनकही एक नया जाविया के सीजन टू के साथ, जो कि है द फोक टेल सीरीज। इस सीजन में मैं आपको भारत के अलग अलग प्रांतों की सैर कराऊंगी और वहां की लोक कथाओं के माध्यम से उसमें निहित संदेश के बारे में बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि वो संदेश आज के जमाने में भी कितना कॉन्टेक्चुअल है। और एक बात कि सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के जो सिद्धांत हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, वो किस तरीके से इन लोक कथाओं से कितनी ज्यादा कितना ज्यादा उनमें समानता है, कितना ज्यादा वो मेल खाते हैं। तो आइए लेकर चलती हूँ सबसे पहले भारत के उत्तरी प्रांत जम्मू में और सुनते हैं जम्मू की लोक कथा हंसने वाली मछली। बहुत समय पहले की बात है कि कश्मीर की एक खूबसूरत घाटी में एक राजा राज करता था। राजा का महल झेलम नदी के किनारे था। एक दिन राजा की रानी महल के झरोखे से बाहर देख रही थी कि तभी उसकी नजर एक मछली बेचने वाली पर पड़ी, जो कि मछली से भरी टोकरी को लेकर शहर की ओर जा रही थी। तो रानी ने उसको पुकारा और उसे ऊपर आने का आदेश दिया। मछली वाले की टोकरी में सबसे ऊपर ही एक बेहद खूबसूरत मछली थी। रानी ने उससे पूछा कि ये मछली नर है कि मादा, अगर मादा होगी तो मैं ले लूंगी। बस रानी का इतना कहना था कि वो मछली हंसने लगी और हंस करके वो जल्दी से टोकरी में सबसे नीचे चली गई। उसकी हंसी देखकर रानी और मछली बेचने वाली दोनों ही अचरज में पड़ गए, क्योंकि दोनों ने ही ना तो कभी किसी मछली की को हंसते देखा था और ना ही उसके बारे में सुना था। मछली वाली ने जल्दी से अपनी टोकरी सर पर रखी और वो सरपट सरपट वहां से भाग गई। लेकिन रानी इतने अचरज में थी कि उसके मन में ये बात घूमती रही कि जब तक मैं इस मछली के विषय में पता नहीं लगा लूंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। शाम को जब राजा महल में आए तो रानी ने हंसने वाली मछली की पूरी कहानी राजा को बताई। राजा भी हैरान हो गए, हंसने वाली मछली? भाई ऐसी मछली मैंने तो आज तक नहीं देखी, तुमने कहां देख ली? तो रानी बोलती है, मैं कुछ नहीं जानती, उस हंसने वाली मछली का रहस्य आपको मुझे पता लगाकर ही बताना होगा। वो भी जिद पकड़कर बैठ गए। खैर, अगले दिन जब राजा का दरबार लगा तो उन्होंने पूरी सभा में इस पूरी कहानी को बताया और सबसे पूछा कि भाई कोई बता सकता है कि वो मछली क्यों हंसी? जब किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो राजा ने अपने वजीर को बुलाया और उन्होंने कहा कि 6 माह के अंदर आपको ये पता लगाकर बताना होगा कि वो मछली क्यों हंसी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वजीर उसी दिन से ही हंसने वाली मछली का रहस्य पता लगाने में जुट गए। बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों से, साधु संतों से, जादूगरों से सबसे उन्होंने मुलाकातें की, यात्राएं की, लेकिन कहीं भी कोई भी उन्हें हंसने वाली मछली के विषय में बता नहीं पा रहा था। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और करते करते 5 माह बीत चुके थे। वजीर को अपनी मृत्यु सामने नजर आ रही थी। वजीर अपने बेटे सुलेमान से बहुत प्यार करता था, तो उसने अपने बेटे सुलेमान को बुला भेजा और उससे कहा कि देखो बेटा, मेरी मृत्यु तो बिल्कुल सामने है, बिल्कुल निकट है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद राजा का क्रोध तुम पर उतरे, तो तुम यहां से चले जाओ। सुलेमान अपने पिता से, अपने अब्बू से बहुत प्यार करता था और वो जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी वजीर ने जिद करके सुलेमान को वहां से भेज दिया। सुलेमान बिना कुछ सोचे समझे
उसे जो रास्ता मिला वो उसी पर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक किसान मिला। किसान शहर से सामान खरीदकर अपने गांव जा रहा था। तो सुलेमान को लगा एक से भले दो और वो साथ में हो लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद में उसने किसान से कहा कि हम दोनों ही चलते चलते थक गए हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि आधे रास्ते तुम मुझे लेकर चलो और आधे रास्ते मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। तो किसान ने सोचा ये कितनी अजीब सी बात है कि आधे रास्ते ये मुझे लेकर चलेगा और आधे रास्ते मैं इसे लेकर चलूं, ये तो बड़ी बेवकूफी की बात है। बिना कुछ उसको जवाब दिए हुए सुलेमान को किसान आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद में दोनों एक पहाड़ी पर पहुंचे और चलते चलते क्योंकि दोनों थक गए थे इसलिए उस पहाड़ी पर बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगे। नीचे झेलम नदी बह रही थी और ऊपर देवदार के पेड़ थे। तभी सुलेमान ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और किसान को देते हुए कहा, ये चाकू लीजिए और जरा जंगल में जाकर दो घोड़े ले आइए, और हाँ थोड़ा सा संभाल के रखिएगा इस चाकू को, बड़ा कीमती है। किसान फिर चक्कर में पड़ गया कि या तो यह आदमी खुद पागल है या इसने मुझे पागल समझा हुआ है। वो फिर खुद से बड़बड़ाता हुआ, उसने कोई जवाब नहीं दिया सुलेमान को और वो आगे बढ़ गया। कितनी अच्छी फसल है, किसान ने बोला। हाँ वो तो है, पर फसल खाली गई है कि बची है? सुलेमान ने जवाब दिया। खाली गई है, क्या मतलब है तुम्हारा? देख तो रहे हो कि फसल अभी कटी तक नहीं है, किसान ने गुस्से में जवाब दिया। सुलेमान मुस्कुराया और बोला, बस मैंने तो यूं ही कह दिया। किसान कुछ बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद ही वहां एक फूलों की घाटी थी। घाटी के पास ही एक छोटी सी नदी बह रही थी और उस नदी के आगे एक पहाड़ था जिस पर एक गांव बसा हुआ था और वही गांव किसान का था। तो किसान ने अपने पजामे को अंदर खोसा, जूतों को हाथ में उठाया और नदी पार कर गया। और जब नदी पार करके आगे पहुंचा तो जब मुड़कर देखता है कि सुलेमान बिना जूते उतारे ही नदी पार कर रहा था। तो किसान ने मन ही मन सोचा कि ये वाकई पागल है। खैर उसने सोचा मुझे क्या करना। जब दोनों नदी पार करके आगे बढ़े तो थोड़ी दूर पर ही किसान का घर था। गांव के पास पहुंचकर किसान ने सुलेमान से कहा कि मेरे साथ मेरे घर चलो, थोड़ा कुछ खा पी लो, आराम कर लो और फिर आगे के सफर पर निकल जाना। तो सुलेमान ने जवाब दिया, मुझे बड़ी खुशी होगी आपके साथ आपके घर चलकर, पर क्या आपके घर की छत इतनी मजबूत है कि जो आप मुझे अपने घर ले जा सकें? पर सुलेमान का इतना कहना था कि किसान का गुस्सा तो आपे से बाहर हो गया। किसान ने उसे जवाब दिया कि मैंने तो शराफत के नाते आपको घर चलने की दावत दी थी, नहीं चलना तो मत चलो, कम से कम मेरा अपमान तो मत करो। और इतना कहकर वो मुड़ा और अपने घर की ओर चल पड़ा। किसान की बेटी थी गुलनार, जो कि बेहद बुद्धिमान और चतुर थी। जब उसने किसान का तमतमाता हुआ चेहरा देखा तो उसने पूछा कि अब्बू क्या हुआ, क्यों इतने लाल पीले हो रहे हो? तो किसान ने उसे बोला कि अरे रास्ते में मुझे एक लड़का मिल गया, ना जाने क्या उटपटांग बातें करता रहा पूरे रास्ते, और ना जाने अपने आप को क्या समझता है। तो खैर गुलनार ने उससे फिर पूछा कि अच्छा बात तो बताइए कि हुआ क्या। गुलनार के पूछने पर किसान ने उसे बोला कि पूरे रास्ते तो ये मेरे ऊट पटांग बातें करके मेरा सर खाता रहा, और अब जब शराफत के नाते मैंने इसे घर आने की दावत दी तो ये मुझसे कहता है कि क्या आपके घर की छत इतनी मजबूत है कि आप मुझे घर ले जा सकें? अब भला बताओ ये भी कोई कहने की बात है?
कि जैसे ये आएगा तो छत इसके सर पर ही गिर पड़ेगी। किसान की बात सुनकर गुलनार हंसने लगी। वो बोली, अरे अब्बू, इसका छत कमजोर होने से मतलब इसका है कि क्या आपकी हैसियत इतनी है कि आप इसकी ठीक से खातिरदारी कर सकें? जरूर ही ये किसी बड़े घराने का होगा। किसान ने जब सोचा तो उसे गुलनार की बात ठीक लगी। तो फिर उसने पूरे रास्ते जो भी कुछ वाकया हुआ वो सारे गुलनार को बता दिए और उसने पूछा कि बेटी, अब ये बताओ कि ये जितनी इसने बातें की थी, इन सब बातों का मतलब क्या है? अपनी अब्बू की बातें सुनने के बाद में गुलनार थोड़ी देर सोचती रही और फिर बोली कि अब्बू, ये लड़का बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। इसकी हर बात में एक मतलब छिपा है। जब इसने कहा कि थोड़ी दूर आप मुझे लेकर चलो और थोड़ी दूर मैं लेकर चलता हूं, इससे इसका मतलब था कि थोड़ी दूर आप इसे कोई कहानी सुनाओ और थोड़ी दूर ये आपको कहानी सुनाएगा। इससे दोनों का सफर बहुत आसानी से कट जाएगा और थकान भी महसूस नहीं होगी। अच्छा, लेकिन उन घोड़ों से क्या मतलब था इसका? अरे, उन घोड़ों से इसका मतलब था कि आप जंगल में से दो टहनियां काट कर ले आइए, क्योंकि आपको पहाड़ी पर चढ़ना था तो जो टहनियां होंगी उसका सहारा किसी घोड़े से कम तो नहीं होगा। तो किसान बोला, चलो मैंने ये भी तुम्हारी बात मान ली, लेकिन फसल खाली गई है से क्या मतलब है? तो गुलनार ने समझाया किसान को, अरे अब्बू, उससे उसका मतलब था कि कहीं फसल साहूकार के पास गिरवी तो नहीं रखी है, क्योंकि अगर खेत साहूकार के पास गिरवी होंगे तो फसल भी तो साहूकार की ही होगी। चलो मैंने तुम्हारी ये बात भी मान ली, किसान बोला, लेकिन नदी जूते पहनकर पार करना तो पागलपन की ही निशानी होगी ना। तो गुलनार एक बार फिर हंसने लगी। तो गुलनार बोलती है, नहीं अब्बू, ये पागलपन की नहीं लेकिन अकलमंदी की निशानी है। आप ही ना कहते हैं कि जो तलहटी होती है उस पर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो अगर कोई नुकीला पत्थर होगा तो वो पैर में चुभ भी सकता है, लेकिन अगर आप जूते पहनकर नदी पार करेंगे तब तो बहुत आसानी से नदी पार हो जाएगी और पैर में चोट लगने का खतरा भी कम हो जाएगा। गुलनार की बातें सुनने के बाद किसान सोचने लगा कि अरे, ये लड़का तो वाकई बड़ा समझदार है और मैं तो इसको खामखा ही मूर्ख और बेवकूफ समझे हुआ था। खैर छोड़ो, मैं इसे जल्दी से लेकर आता हूं। इधर गुलनार ने सोचा कि क्यों ना सुलेमान का वो भी इम्तहान ले ले। तो उसने एक थाली में 12 रोटियां रखी, एक कटोरा भर करके खीर रखी और एक जग भर करके दूध रखा और उसने अपने नौकर को बुला करके कहा कि ये सुलेमान को दे देना और कहना कि साल के 12 महीने हैं, पूरे चांद की रात है और तालाब में पानी लबालब भरा हुआ है। लेकिन जो नौकर था वो था लालची। उसने सोचा कि क्यों ना इसमें से मैं थोड़ा सा खाना खा लूं, किसी को क्या पता चलेगा। तो उसने उसमें से एक रोटी खा ली, थोड़ी सी कटोरे में से खीर खा ली और थोड़ा जग में से दूध पी लिया और ले जा करके वो थाली उसने सुलेमान को दे दी और जो गुलनार का संदेश था वो भी उसने सुलेमान को दे दिया। सुलेमान ने उसे उस थाली को देखा और कहा कि अपनी मालकिन का शुक्रिया अदा कीजिएगा और कहिएगा कि साल के 11 महीने हैं, आधी चांद की रात है और तालाब में पानी लबालब नहीं है। नौकर ने आके वो संदेश गुलनार को सुना दिया। गुलनार समझ गई कि ये हो ना हो ये नौकर ने ही चालाकी की है और ये जो चोरी है वो नौकर ने ही की है। जब गुलनार ने ये बात किसान को बताई तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि नौकर ने ही चोरी की है? तो गुलनार ने बताया कि अब्बू, मैंने जब थाली भेजी थी तो मैंने उसमें 12 रोटियां रखी थी और मैंने कहा था
कि कह देना कि साल के 12 महीने होते हैं और कटोरा भर करके खीर रखी थी, यानी पूरे चांद की रात है, और मैंने जग भर करके दूध रखा था, यानी तालाब में पानी लबालब भरा हुआ है। लेकिन जब वो थाली सुलेमान के पास पहुंची तो उसने संदेश भिजवाया कि साल के 11 महीने होते हैं, इसका मतलब उसमें एक रोटी कम थी। आधे चांद की रात है, इसका मतलब कटोरे में से आधी खीर खत्म हो चुकी है, और तालाब में पानी लबालब नहीं है, इसका मतलब जो जग में दूध था वो भी पी लिया गया है। तो किसान सोचने लगा कि भाई हमारे ये दोनों बच्चे तो बड़े ही समझदार हैं। शाम को जब सुलेमान आया तो खाना खत्म होने के बाद में गुलनार ने सबको कहवा पीने के लिए दिया। कहवा पीते पीते सुलेमान ने बताया कि अगर जल्द ही हंसने वाली मछली का रहस्य राजा को नहीं बताया गया तो उसके अब्बू की जान चली जाएगी, और उसने गुलनार से पूछा कि क्या वो उसकी कुछ मदद कर सकती है। गुलनार थोड़ी देर तक सोचती रही और फिर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, आप मुझे अभी राजा के पास लेकर चलिए, हंसने वाली मछली का रहस्य मैं राजा को ही बताऊंगी। सुलेमान ने बिना वक्त गवाए वो तुरंत ही अपने नगर के लिए निकल पड़ा। इधर जो वजीर थे वो मारे चिंता के उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। उन्होंने जैसे ही सुलेमान को देखा तो वो उस पर आग बबूला हो गए। मैंने तुमसे मना किया था ना कि वापस मत आना, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी जान को खतरा है? सुलेमान ने बहुत प्यार से उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उनसे कहा कि अब्बू आप परेशान मत होइए, आप बस हमें राजा के पास लेकर चलिए, मछली के हंसने की बात गुलनार राजा को बताएगी। वजीर जब सुलेमान और गुलनार को लेकर महल में पहुंचा तो राजा ने उसे देखते हुए कहा कि हाँ वजीर, कुछ पता चला मछली क्यों हंसी? तो वजीर ने कहा, जी महाराज, इसका जवाब ये लड़की देगी। तो राजा ने कहा, हाँ बताओ मछली क्यों हंसी? तो गुलनार ने जवाब दिया कि महाराज, आपके महल में एक पुरुष स्त्री के वेश में रहता है। मेरे महल में एक पुरुष स्त्री के वेश में, ऐसा कैसे हो सकता है? यहां तो बहुत सुरक्षा है, राजा ने गरज करके जवाब दिया। तो गुलनार बोली कि महाराज, इसका फैसला मैं अभी किए देती हूं। गुलनार ने अब एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया और उसने राजा से कहा कि महाराज, महल की जितनी भी दासियां हैं उन सब को इस गड्ढे को कूद करके पार करना है। महल की कोई भी दासी उस गड्ढे को कूद करके पार नहीं कर पाई सिवाय उस दासी के जो असल में एक पुरुष था और जो कि चोरी करने के इरादे से महल में आया था। उसे तुरंत ही पकड़वा लिया गया और कारागार में डलवा दिया गया। सुलेमान और गुलनार की भूरी भूरी प्रशंसा की गई और राजा ने अपनी ओर से गुलनार और सुलेमान दोनों को धन दौलत दे करके खूब सारा इनाम दिया। कुछ समय बाद सुलेमान और गुलनार का निकाह पढ़वाया गया। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हम जितनी सरलता से अपनी बात कहेंगे या अपना संदेश कहेंगे उतनी ही सहजता के साथ में लोग उसे समझ पाएंगे। यदि किसान की बेटी सुलेमान के बातों में निहित संदेशों को किसान तक न पहुंचाती या किसान को सरल भाषा में ना समझाती तो क्या राजा की पहेली का हल निकल पाता या सुलेमान के अब्बू की जान बच पाती? सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का सिद्धांत भी यही कहता है कि संदेश हमेशा ही सरल भाषा में दिया जाना चाहिए जिससे कि लोग उसे अपने व्यवहार परिवर्तन में इस्तेमाल कर सके। और यदि संदेश अशिक्षित लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है तो उसे तो शिक्षित लोग बहुत आसानी से समझ लेंगे, लेकिन अगर शिक्षित लोगों को ध्यान में रखते हुए संदेश बनाया जाएगा तो अशिक्षित लोग उसे समझ पाने में
कठिनाई महसूस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है तो मेरे चैनल कहीं अनकहीं एक नया जाविया को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने कमेंट्स मुझे भेजना मत भूलिएगा। अगले एपिसोड में एक नए प्रांत की लोक कथा के साथ में आपसे आपकी दोस्त मोनिका फिर से रूबरू होगी। तब तक के लिए हमारी कहीं अनकहीं एक नया जाविया की पूरी टीम की ओर से